इस कर्म सम्मेलन का चर्चा चल रहा है। जोहार, हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिलहाल मैं हूँ दुमदुमा में और आज पूरा जोरदार से काम लगा हुआ है दुमदुमा कर्म का। और मैं आज आप लोगों का जो भी काम जोरदार से लगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और सिंगर है हम लोगों का माइकल पाथर, उसके बाद में दिव्यज्योति महाली, भास्कर सैकिया, रामानुज बाग, उसके बाद में रुपज्योति कर्मी। और सबसे अच्छा बात है नितेश कश्यप, आप लोग भी आइए और जितना भी जोरदार से काम लगा मैं आप लोगों के साथ में पूरा शेयर करूंगी। और इस बार रेस्पेक्टेड दिलेश्वर ताती, लेट दिलेश्वर ताती का नाम से इस बार कर्म मनाया जा रहा है। और हमारा दुमदुमा में जो कर्म हो रहा है 2003 से अभी, मतलब ये 20 साल पूरा हो गया, तो आप लोग ज़रूर आना। और किस तरह से काम चल रहा है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो फिलहाल आगे देखते रहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं एंट्री कर लिया हूं और जितना भी काम का चल रहा है और क्या क्या होने वाला है मैं आप लोगों के साथ में पूरा शेयर करूंगी। और इस बार का जो कर्म होने वाला है बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार, आप लोग भी यहां पर आइए। और फिलहाल एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, इस बार मतलब जो भी कर्जहूसी है वो सब बहुत ही मस्त है। और इस बार यहाँ पर चारों तरफ जो दिख रहा है आप लोग घर, चारों तरफ जो दिख रहा है वो सब स्टॉल बनेगा, मतलब दुकान। और पेंडल देखकर ही मतलब लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है इस बार। और यहाँ का जो पहला दिन का कर्जहूसी जो है, जैसे कि फ्लैग होस्टिंग, उसके बाद में दिन का जो गीत होता है संगीत वो सब होगा, उसके बाद में नाइट में जो अच्छा बात है जो अपना अपना कल्चर जाति का फैशन जो शो बोलता है वही नाइट को होने वाला है। और बहुत ही अच्छा लगेगा, पहला बार हमको लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है यहाँ पर। और उसके अलावा दूसरा दिन यहाँ पर होने वाला है झूमर का जो कंपटीशन होता है, वो जो हम लोगों का मेन कल्चर है अपना, वो दूसरा दिन यहाँ पर होगा। उसके बाद में नाइट में जो अखाड़ा होता है हमारा मेन, जो कर्म का जो लास्ट का अखाड़ा का विसर्जन वो होने वाला है। उसके बाद में लास्टली हम लोगों का जो अपना अपना कल्चर का हुबो जत्रा जो बोलता है वो होगा। उसके बाद में हम लोगों का अपना अपना कल्चर का जो डांस सांस्कृतिक अलग अलग है वो सब होने वाला है। और नाइट में जो आर्टिस्ट लोग आके जो गाना गाता है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो इतना अच्छा अच्छा जो कर्जहूसी है, तो फिलहाल आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइए, सभी को निमंत्रण है। और पेंडल देख के ही मतलब लग रहा है कि कुछ अलग और शानदार होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आगे में बहुत ही मतलब ज्येष्ठ लोग है तो मैं सभी को दिखाऊंगी। और पेंडल आप लोग देख सकता है बहुत ही सुंदर है। पीछे में है रेस्पेक्टेड एमएलए सर और पूरा सब लोग गणमान्य व्यक्ति लोग है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हमारे साथ में है रेस्पेक्टेड एमएलए सर जी। और 2 साल कोविड के वजह से हम लोग अच्छा से सेंट्रल कर्म सेलिब्रेशन कर नहीं सके, तो इस साल मतलब किस तरह से हम लोग दुमदुमा सेंट्रल कर्म का तैयारी चल रहा है तो उसके बारे में हम लोग सर से जानेंगे। यहाँ जो कर्म सम्मेलन होने जा रहा है दुमदुमा टाउनफील्ड में, ये हम लोगों ने 2003 में शुरू किया था, सेंट्रली यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है कर्म सम्मेलन। और इसका जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो हमारे स्वर्गीय दिलेश्वर ताती जी थे, और उन्हीं के कोशिशों के वजह से ये सम्मेलन का शुरुआत हुआ था। और पिछले 2 सालों में कोविड के वजह से हम लोगों ने जो फेस्टिवल है उसको मना नहीं पाए थे हम लोग। और इस साल इसीलिए लोगों में काफ़ी उत्साह है,
सभी लोग खबर लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ करीब एक हफ्ता से यहाँ लोगों का आगमन हो रहा है। हर आदमी यहाँ आके किस तरह से तैयारी चल रहा है उसको देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं। और चाय बागानों में, टाउन में, गांव में, हर जगह इस कर्म सम्मेलन का चर्चा चल रहा है। और कल से हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। कल, परसों, 23, 24 और 25 तीन दिन यहाँ अलग अलग तरह का कार्यक्रम होगा। और 24 तारीख को हम लोग जो हमारा रिचुअल्स है, जो विधि है, पूजा का विधि है, उसको संपन्न करेंगे हम लोग। और उस रात को पूरा रात जो यहाँ युवा या फिर कोई जो भी है समाज का जो भी व्यक्ति है, यहाँ रिचुअल्स हो जाने के बाद में, पूजा पाठ जो भी है वो हो जाने के बाद में, सारे लोग पूरा रात यहाँ झूमर नृत्य करेंगे। और उसके बाद विसर्जन होगा। और दूसरे दिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि सारे लोग, हमारे जो इस अंचल के सारे बासिंदा, उसमें पार्टिसिपेट करें, हम उसका उम्मीद करते हैं। और एक बहुत अच्छा हम लोग शोभा यात्रा का कामना कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। और हमारा जो संस्कृति है, ये जो हमारा जो कम्युनिटी है, इसमें अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं। हर ट्राइब्स का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना वेशभूषाएँ हैं, आभूषण है। उसको दिखाने का और उसको लोगों को देखने का भी मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और रविवार को शाम को सांस्कृतिक अनुष्ठान है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे आर्टिस्ट को बुलाया है जो यहाँ आएंगे और दर्शकों को अपना संगीत से मोहित करेंगे। ठीक उसी तरह कल और परसों हर जो हमारा ट्रेडिशनल जो फोक झूमर या फिर डोमकच, जहाली, उड़िया, इस तरह का जितना भी हम लोग कलाकृष्टि जो भी है, उसका कंपटीशन होगा। और उस कंपटीशन में यहाँ के जो युवाएं हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा भाग लेने का और उनका जो टैलेंट है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा एक तीन दिन का पैकेज है, जिसमें बहुत अच्छा रहेगा। और हम ये दुमदुमा का जो कर्म सम्मेलन है, इसका एक महत्व है, पूरा असम में इसको लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा तरह से कर्म सम्मेलन मनाया जाता है, कर्म पर्व को मनाया जाता है। और लोगों का काफ़ी इसमें समर्थन भी रहता है और पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। तो हम बहुत अच्छा तीन दिन का प्रोग्राम उम्मीद कर रहे हैं। और हम इस ब्लॉग के द्वारा हम सबसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि सारे लोग आए, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएं। सर, और एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि सुनने में मिला था कि सीएम सर भी यहाँ पर आएंगे, तो उसके बारे में अगर काजीरंगा में कुछ सरकारी प्रोग्राम है तीन दिन का, और 24, 25 और 26 तीन दिन का एक सरकारी प्रोग्राम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सारे मंत्रीगण और सरकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनका एक तीन दिन का एक चिंतन बैठक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं मौका निकाल पाऊँ तो ज़रूर आऊँगा, ऐसा कहा है। लेकिन उसी प्रोग्राम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो उनका आना तो 100% तय था। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि अगर मौका निकाल पाए तो ज़रूर जाएंगे, ऐसा कहा है। ओके सर, शुक्रिया।